ललित मोदी के एक ईमेल से हड़कंप मच गया है। इस बार ललित मोदी ने बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर और अन्य पदाधिकारियों पर सीधा हमला बोला है और खुलासा किया है कि उन्हें आईपीएल की फ्रेंचाइजी में मालिकाना हक रखने वालों के नामों को सार्वजनिक करने से रोका गया था। हालांकि इस खुलासे में भी मोदी काफी कुछ छिपा गए। ट्विटर की अगली कड़ी ईमेल पर आई है। आईपीएल की जंग में ललित मोदी ने अपने एक ईमेल से हड़कंप मचाने की कोशिश की है। उन्होंने वो ईमेल सार्वजनिक कर दिए हैं जो उनके और बीसीसीआई अधिकारियों के बीच लिखे गए थे। मोदी ने ये मेल बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर समेत बीसीसीआई के तमाम पदाधिकारियों को 14 अप्रैल को भेजा था और सीसी में एक कॉपी शरद पवार को भेजी गई थी। इस मेल में लिखा था, न्याय और निष्पक्षता की मांग है कि हम आईपीएल फ्रेंचाइजी के मालिकाना हक का खुलासा कर दें। हमें एक बार फिर मालिकाना हक रखने वालों और निदेशकों के नाम सार्वजनिक कर देने चाहिए। अगर सभी सहमत हों तो इसका खुलासा जल्द से जल्द कर देना चाहिए। ऐसा करके हम आईपीएल को लेकर जारी विवाद को जड़ से खत्म कर सकते हैं। ललित मोदी ने वो ईमेल भी सार्वजनिक कर दिया है जो उनके भेजे ईमेल के जवाब में आया था। शशांक मनोहर ने उस ईमेल में आईपीएल मालिकों के नाम सार्वजनिक नहीं करने की सलाह दी थी। शशांक मनोहर ने लिखा था कि आईपीएल के मालकाना हक का मुद्दा उलझा हुआ है, कुछ भी सार्वजनिक करने से पहले बातचीत करना जरूरी है। जनरल काउंसिल की मीटिंग में इसकी चर्चा की जानी चाहिए। मोदी ने दावा किया है कि शशांक मनोहर की इस बात से बीसीसीआई के कई और अधिकारी सहमत थे। उन लोगों ने भी मेल के जरिए अपनी सहमति जताई थी। ये ईमेल जारी कर मोदी सवाल उठाना चाहते थे कि आखिर क्यों ये अधिकारी उन्हें टीम मालिकों के नाम सार्वजनिक करने से रोकना चाहते हैं। पर ये वो सच है जो मोदी दुनिया को दिखाना चाहते थे। अब हम आपको बताते हैं कि सच का दूसरा पहलू क्या है। दरअसल मोदी इससे पहले के कुछ और ईमेल छुपा गए हैं। ईमेल की इस कड़ी की शुरुआत की थी शशांक मनोहर ने। उन्होंने आपत्ति जताई थी कि आईपीएल से जुड़े मामले मोदी ट्विटर पर क्यों जाहिर कर रहे हैं। 11 अप्रैल को शशांक मनोहर ने मोदी को लिखा था कि मुझे कोच्चि फ्रेंचाइजी मालिकों से शिकायत मिली है कि आपने उनका ब्यौरा ट्विटर पर जाहिर किया है। वे लोग ब्यौरा सार्वजनिक किए जाने से दुखी हैं। बीसीसीआई ट्विटर जैसे मीडिया के जरिए काम नहीं करता। अगर कोई मसला था तो गवर्निंग काउंसिल की बैठक में उस पर विचार किया जा सकता था। बीसीसीआई के एक सब कमेटी के चेयरमैन होने के नाते आपका ये मुद्दा ट्विटर पर उठाना ठीक नहीं है। अब तक आपने बोर्ड के कई फैसलों को सार्वजनिक किया है। मैं ये मुद्दा गवर्निंग काउंसिल में उठाने का प्रस्ताव रखता हूँ। आगे से मीडिया में कोई बयानबाजी न करें। 11 अप्रैल को ही मोदी ने इसका जवाब भी भेजा था। उन्होंने लिखा था कि मैंने जो कुछ भी ट्विटर पर लिखा है वो गोपनीयता भंग नहीं करता। हमने पहले भी शेयर होल्डर्स का ब्यौरा आम किया है। कोच्चि फ्रेंचाइजी ने टीम शेयर धारकों के बारे में झूठ बोला था। ट्विटर पर लिखने के कुछ ही मिनट के अंदर मुझे शशि थरूर का फोन आया था कि मैं कोच्चि के मालिकों के बारे में कुछ न पूछूं। उन्हें टेंडर देने से पहले मुझे ऐसा करना ही था। यह मुद्दा गवर्निंग काउंसिल में उठाया जाना चाहिए। सवाल ये है कि अगर मोदी को ईमेल सार्वजनिक करना ही था तो सारे ईमेल क्यों नहीं किए? कुछ ईमेल वो क्यों छुपा गए? श्वेता सिंह के साथ विक्रांत गुप्ता, दिल्ली, आज तक।